भारत में जो 6,743 जातियाँ थीं, बाबा साहेब ने इन 6,743 जातियों को तीन बड़े हिस्सों में इकट्ठा कर दिया। और वे तीन बड़े हिस्से एससी, एसटी और ओबीसी थे। मगर हमारे जो नेतावाद हैं, जो बाबा साहेब के नाम पर आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बस छोटे बड़े 10,000 संगठन बनाए और इनके अंतर्गत काम किया। और प्रत्येक इन छोटे बड़े संगठनों के नेता यह कहते हैं कि हमारे संगठन में रहना है, हम ही सबसे अच्छे हैं, दूसरे नेता खराब हैं, दूसरे के संगठन में नहीं जाना है। बाबा साहब, जिन्होंने हम अधिकार वंचित वर्गों के लिए आरक्षण को लाया, वो आरक्षण भी अब चला गया और इन संगठनों ने इसके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठाई। तो इन संगठनों के रहने का क्या मतलब है कि ये हमारे आरक्षण को नहीं बचा पाए? ये छोटे बड़े संगठन जो ये बोलते रहते हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन आप लोग क्या मानते हैं कि आप लोग सबसे पहले तो आपस में संगठित ही नहीं हैं, इकट्ठे ही नहीं हैं। बाबा साहब जिन्होंने तीन सूत्र को हमारे लिए बनाया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, लेकिन कोई भी संगठन बाबा साहेब के दिए गए इन सूत्रों का पालन नहीं करता। यदि पालन करता तो सबसे पहले ये छोटे बड़े संगठन आपस में इकट्ठे होते और एक साथ मिलकर हमारे वेलफेयर के लिए आवाज़ उठाते। अगर ये संगठन हमारा वेलफेयर नहीं कर सकते, अगर ये हमारे स्कूल कॉलेजेस में हमारे एडमिशन का ध्यान नहीं रख सकते, अगर ये हमारे आरक्षण का ध्यान नहीं रख सकते, अगर ये हमारे खेत खलिहान में जो मजदूर काम कर रहे हैं ये उनका ध्यान नहीं रख सकते, अगर ये हमारे भूखे लोगों का ध्यान नहीं रख सकते, अगर ये हमारे संवैधानिक अधिकारों का ध्यान नहीं रख सकते, अगर ये हमारे संविधान का ध्यान नहीं रख सकते, जो बाबा साहेब ने हमें दिया है उनको नहीं बचा सकते और आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। हमारे लोग ऐसे ही मरते रहते हैं, जगह जगह उनके साथ अत्याचार होते रहते हैं, उनका शोषण किया जाता है, लेकिन ये कभी भी संगठित होकर एक साथ आवाज़ नहीं उठाते। तो ये संगठन हमारे किस काम के, इनसे हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है? तो अगर ये संगठन हमारा वेलफेयर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें इनको छोड़ देना चाहिए, इनको सपोर्ट करना बंद कर देना चाहिए, इनकी मान्यताओं को छोड़ देना चाहिए, इनको पैसे और समय देना बंद कर देना चाहिए। और तब तक इनको मान्यताएं और पैसा और अपना समय नहीं देना चाहिए जब तक कि ये आपस में संगठित ना हो जाए, इकट्ठे ना हो जाए, जब तक कि ये हमारा सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से कल्याण ना करें, तब तक हमें इनको समर्थन देना बंद कर देना चाहिए। अगर ये छोटे बड़े संगठन इकट्ठे नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, तो एकता नहीं बनेगी, जिसमें भारी नुकसान हमारे युवा वर्ग का है, क्योंकि उन्हें पर्याप्त शिक्षा नहीं मिल रही है, उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है, उनकी शादियां विवाह होने में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं और वे युवा वर्ग अपने परिवार का भरण पोषण एवं उसका संचालन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जो भी संगठन है वो सबसे पहले तो आपस में संगठित होइए। अगर आप वाकई में बाबा साहेब को मानते हैं, उनकी बातों का अनुसरण करते हैं, तो सबसे पहले आपस में आप लोग संगठित होइए, इकट्ठे होकर आवाज़ उठाइए। जय विशाल भारत, जय सम्राट अशोक, जय बुद्ध।